नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पद्मावती के मेकर्स की, जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उसकी। और जहां एक और फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म का रिव्यू जल्द कराने की मांग ठुकरा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को बैन करने की याचिका खारिज कर दी है, और इसी बीच फिल्म के रिलीज का जो अड़चने आ रही हैं फिल्म के रिलीज में, उसको लेकर घमासान और तेज हो गया है। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। तीन मुख्यमंत्री, तीन नजरिया आपके सामने होगा, और तीन की बात हो रही है तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे इस विवादित फिल्म पद्मावती के पहले भी महारानी पद्मिनी पर बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं, और 50 और 60 के दशक में इन फिल्मों में महारानी पद्मिनी को कैसे फिल्माया गया था, कुछ रोचक तथ्य आपके हम सामने रखेंगे। कुछ फिल्में तो ऐसी भी थी जो महारानी पद्मिनी पर बनी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को भी एक तरह से रिश्ते में दिखाया गया था महारानी पद्मिनी को, कि महारानी पद्मिनी को वो अंततः बहन मान लेता है और बेहद अफसोस करता है उनके जौहर के बाद। तो तमाम वो जो सारी हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं उसमें कैसे महारानी पद्मिनी के किरदार को निभाया गया है, कैसे दिखाया गया है, किन लोगों ने निभाया, ये बड़ा रोचक तथ्य है, ये आपके सामने हम रखेंगे आज। इसके अलावा हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की, जहां पर लंबे वक्त से समझौते की सारी कोशिशें जो थी कांग्रेस की, वो अब विफल हो गई हैं औपचारिक रूप से, और हार्दिक पटेल के गठबंधन में फिलहाल फूट भी पड़ गई है और अब कांग्रेस बैकफुट पर है। जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आई कल रात, हमने वो नज़ारा देखा जिससे समझ में आया कि पाटीदार आखिर कितना इनके बीच मतभेद है, और इस मतभेद के इस नज़ारे के साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि अब कांग्रेस और पाटीदार का साथ एक साथ आना बड़ा मुश्किल है, और इससे कहीं ज़्यादा खुशी है तो वो खुशी बीजेपी के खेमे में है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही थी और देख रही थी इस पूरे मसले को बेहद करीब से, कि आखिर पाटीदारों के साथ कांग्रेस का क्या तालमेल बैठता है, और जैसे ही ये तालमेल गड़बड़ाता सा दिखा वैसे ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आई। 28 लोगों की ये लिस्ट है, इस लिस्ट की खासियत भी हम आपको बताएंगे, और कांग्रेस की मुश्किलें केवल पाटीदार के रूप में ही नहीं शुरू हुई हैं, बल्कि कांग्रेस के पूर्व सहयोगी एनसीपी से भी कांग्रेस की दूरी गुजरात में बेहद स्पष्ट हो गई है। और बीजेपी के लिस्ट के साथ साथ हम उसकी भी बात करेंगे जिस पर सबकी नज़र है, राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने का रास्ता पूरी तरह से कांग्रेस ने साफ कर लिया है, और हम आपको बताएंगे कि अध्यक्ष बनने के बाद राहुल के सामने चुनौतियां क्या होंगी। हालांकि कांग्रेस इसे पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि राहुल के सामने गुजरात चुनौती नहीं है बल्कि मिशन 2019 चुनौती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले दिनों से राहुल गांधी पृष्ठभूमि अपनी बना रहे थे गुजरात चुनाव के मद्देनज़र, वो भी उनके लिए चुनौती रहेगी। और इतना ही नहीं, तमाम अन्य चुनौतियां भी हैं जहां राहुल गांधी को काम करना होगा। आमतौर पर जितने लोग राहुल गांधी को जानते हैं वो सभी समझते हैं कि राहुल गांधी के लिए कठिन काम होगा, लेकिन राहुल गांधी इसे कैसे पार पाएंगे, उनकी क्या रणनीति हो सकती है, इसका खुलासा हम आपके सामने आज करेंगे। फॉर्मूले के तहत एक नया फॉर्मूला आया है राम जन्मभूमि को लेकर, बताएंगे हम आपको कि सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड ने राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या प्रस्ताव रखा है। वैसे श्री राम के साथ साथ अब श्री कृष्ण को लेकर भी जो सियासत शुरू हो रही है, उस सियासत से कई लोगों की पोल भी खुलने लगी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि भगवान श्री राम के अनुयायी तो केवल उत्तर भारत में ही है, लेकिन श्री कृष्ण के भक्त पूरे देश में हैं। अब मुलायम सिंह यादव को कौन समझाए कि राम और रामायण की पहुंच केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है, और आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है, और तमाम ऐसे देश हैं जहां राम पूजे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव इस बयान
के साथ साथ कौन सा निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई उन्हें कितनी सफलता इसे मिल जाएगी। हाशिए पर आ चुके हैं मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र के द्वारा और उसके बाद भी इस तरह की बातों को कह के वो किस तरह की राजनीति को हवा दे रहे हैं, सीधे यदुवंश और श्री कृष्ण से अपना साथ जोड़ना कहाँ तक उन्हें लाभ पहुँचा पाएगा, ये हम आपको समझाएंगे। उधर मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान के साथ साथ शशि थरूर जो आजकल काफ़ी विवादों में हैं, एक के बाद एक उनसे जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं। एक पहले पद्मावती पर आया और अब उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मानुषी के लिए एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे सभी के निशाने पर वो आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि इससे शशि थरूर का हास्य और व्यंग कम बल्कि उनकी जानकारी की कमी ज़्यादा दिखती है और कई बार ज़्यादा लिखना ज़्यादा बोलना कैसे महंगा पड़ जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। उधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मोदी सरकार को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भरोसेमंद सरकार बताया है। एक के बाद एक आप अवार्ड कह सकते हैं, एक के बाद एक ऐसे एक तरह से पुरस्कार, एक तरह से ऐसा रिकॉग्निशन मिल रहा है मोदी को जो कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार की ताकत को कहीं और ज़्यादा बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस जो एक नया मिला है मोदी सरकार के लिए प्रशंसा, उस प्रशंसा के क्या मायने हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। उधर प्रति व्यक्ति औसत सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिहाज से भारत एक पायदान ऊपर चढ़ा है, 126वें स्थान पर पहुंचा है। कितना फर्क पड़ेगा इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर ये समझने की कोशिश करेंगे। चेक गणराज्य की राजधानी में नवंबर के दूसरे सप्ताह में हुए 27वें प्राग साहित्य सम्मेलन में APN के सलाहकार और सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ इंद्रजीत बदभार ने देश का प्रतिनिधित्व किया। फेस्टिवल में दुनिया भर से पहुंचे साहित्यकारों ने अपने देश की दशा और दिशा पर चर्चा की और इस मौके पर इंद्रजीत बदवार की रचनाओं पर भी और इंडिया लीगल और आपके अपने चैनल APN पर भी खूब चर्चा हुई और उन्हें खूब सराहा गया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जल्द ही आपका पसंदीदा चैनल APN और इंडिया लीगल मिलकर कैसी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं ये आज आपके सामने होगा। खबर अच्छी है कि कड़ी में यूपी के कौशाम्बी ज़िले की एक खबर आपके सामने रखेंगे और साथ ही बात इतिहास की करेंगे और एक ऐसे शायर की बात करेंगे जो हमारे देश का नहीं बल्कि तथाकथित रूप से दुश्मन देश यानी पाकिस्तान का था लेकिन उसकी लिखे हुए नज़्म उसकी शायरी तमाम देशों में गाई जाती है और भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश तमाम सरहदों को पार करके फैज़ अहमद फैज़ को किस तरह से सभी ने अपना बनाया और उनकी एक एक शब्द में वो जादू था जो आज भी मौजूद है। खासकर वैसे पत्रकार वैसे लोग जो निष्पक्ष होकर सही के लिए सच के लिए खड़ा होना चाहते हैं उन्हें शब्द दिया था फैज़ ने, तो आज फैज़ की पुण्यतिथि पर उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की बातचीत में फिलहाल पेंच फंस गया है जो साफ तौर पर दिख रहा है। गुजरात में कांग्रेस ने जैसे ही 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की वैसे ही पाटीदारों के बीच हंगामा शुरू हो गया और पाटीदारों ही नहीं बल्कि पाटीदार और कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। घंटों पहले समर्थन को लेकर बनी सहमति तोड़फोड़ तक पहुंच गई। हार्दिक पटेल की अगुवाई वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सदस्यों ने रविवार देर रात कांग्रेस के सूरत दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया, जमकर तोड़फोड़ की। अहमदाबाद समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी समर्थक आपस में भिड़ते रहे और अपनी पहली लिस्ट में यूं तो कांग्रेस ने पाटीदार समाज के 23 लोगों को टिकट दिया है लेकिन पाटीदार समिति का कहना है कि कांग्रेस ने आंदोलन के दो नेताओं के नाम बिना सहमति के लिस्ट में शामिल कर लिए। ये दो नेता हार्दिक के सहयोगी ललित बसोया और अमित थम्मर हैं। एक के बाद एक कई अल्टीमेटम के बाद आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और हार्दिक पटेल समर्थकों ने सूरत में कांग्रेस दफ्तर और अहमदाबाद में कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी के घर पर जमकर उपद्रव किया।
गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लंबे वक्त से समझौते की कोशिशों में जुटी कांग्रेस और हार्दिक पटेल के गठबंधन में फूट पड़ गई और उसके साथ ही हार्दिक समर्थक पाटीदारों का सब्र जवाब दे गया। हार्दिक के पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के सदस्यों ने पहले समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस के 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही प्रदेश में कई जगह पास कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। सूरत में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। वराछा, पूना और मजूरा में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 80-100 लोगों का टोला आया बाइक में और एक गाड़ी में और बाकी सब 20-25 बाइक थे, तो पत्थर मारने लगे, मिट्टी फेंकने लगे, अंदर आ गए। कांग्रेस हाई हाई, कांग्रेस मुर्दाबाद करके गाली देने लगे कांग्रेस को। ये सब टीवी गांधी जी का, वो ये सब सब कुछ नुकसान कर दिया। खिड़की के दरवाजे तोड़े, दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजे जिस प्रकार से कल आक्रोश व्यक्त किया गया उचित नहीं है, और हार्दिक पटेल और उनके तमाम साथियों को चाहिए कि धैर्य रखे। कोई शिकायत थी तो वो शिकायत बैठ के बातचीत करते, बजाय इसके कि आप जाके आक्रोश व्यक्त करो इस तरह से। इसको आम जनता भी, चाहे वो पटेल लोग खुद क्यों नहीं हो, वो भी इसको पसंद नहीं करेगी, मेरा मानना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में हार्दिक के दो साथियों ललित वसोया और अमित पटेल को ही टिकट मिला है, जबकि हार्दिक पटेल को इससे कहीं ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। पास संयोजक दिनेश बामभनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भरोसे में लिए बिना टिकट बांटे। राज्य में कांग्रेस का विरोध किया जाएगा और अगर कांग्रेस से टिकट पाए पास नेता चुनाव लड़ेंगे तो उनका भी विरोध होगा। भरोसे को जरूरत होगी तो फोन करेंगे, लेकिन कल हमारे कोई भी पटेल जो कैंडिडेट है उनको बोलेंगे कि भाई आप नामांकन नहीं भरे, अगर वो नामांकन भरेंगे तो उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस ने सूरत से पाटीदार समुदाय के 4 नेताओं को टिकट दिया है, लेकिन पास को एक भी सीट नहीं मिली। हार्दिक पटेल ने यहाँ से 6 टिकटों की मांग की थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में हार्दिक समर्थक कम से कम 11 टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कांग्रेस के साथ बातचीत विफल रहने के बाद NCP का कहना है कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी कि कांग्रेस के लिए डबल झटका का दिन रहा। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी और कांग्रेस ने राज्य में 2007 और 2012 के चुनाव एक साथ लड़े थे। वर्तमान में गुजरात विधानसभा में NCP के 2 विधायक हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गठबंधन NCP की ओर से अधिक सीटों की मांग करने के कारण टूटा है, जबकि NCP का आरोप है कि गठबंधन कांग्रेस की जिद की वजह से टूटा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के लिए ये ज़्यादा दुर्भाग्यशाली दिन रहा, जहां नए दोस्त तो बने नहीं, पुराने दोस्ती में भी दरार आ गई। गुजरात की सत्ता में वापसी के कांग्रेस के सपने को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हार्दिक पटेल समर्थन पाटीदारों से बात बिगड़ने के साथ कांग्रेस को पूर्व सहयोगी NCP से भी झटका लगा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात में अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस से कई दिन तक गठबंधन पर बात चलने के बाद भी मामला बेनतीजा निकला। NCP ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कोई ठोस जवाब न मिलने के बाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पवार साहब ने स्वयं राहुल गांधी से बात करने के बावजूद कल देर रात कांग्रेस ने अपनी सूची जाहिर की और उसमें कोटियाना पोरबंदर, जहां पर हमारे सिटिंग MLA थे, वहां पे भी उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं, वो अन्य दलों को साथ में लेकर चलना नहीं चाहती। NCP का मानना है कि गुजरात में सत्ता विरोधी लहर है, ऐसे में अगर सभी विपक्षी दल साथ आकर लड़े तो इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस नेता भी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल ना होने से दोनों दल साथ आने से पहले ही अलग हो गए। उसका जो कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी कुछ करना है वो हाईकमांड के लेवल पर तुरंत कर देना चाहिए। गुजरात में 2 दशक बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य के कुछ इलाकों में NCP की अच्छी पकड़ है और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण गठबंधन पर बात नहीं बन सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो पाटीदारों और कांग्रेस के बीच कैसा तालमेल बनता है, इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए बीजेपी ने जब देखा कि पाटीदारों के साथ कांग्रेस की बात बिगड़ने लगी है, ठीक तभी बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। गुजरात के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट में बहुत कुछ खास रखा है। इस लिस्ट में कुल 28 उम्मीदवारों के नाम है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट पश्चिम से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के वक्त गुजरात बीजेपी प्रभारी अरुण जेटली भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद जेटली और रूपाणी ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। पहले 70, फिर 36 और अब तीसरे चरण में बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। इस तरह बीजेपी ने अब तक कुल 182 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 134 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट से अलग अपनी दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने महिला मंत्री निर्मला बेन वाधवाणी और संसदीय सचिव श्यामजी चौहान सहित 11 विधायकों को टिकट नहीं दिया। इनकी जगह कुल 19 नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सिर्फ 5 विधायकों को ही दोबारा टिकट मिला है। तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने जिन 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उनमें मोरबी कांति अमूतिया को टिकट दिया गया है, जबकि पाटीदार समुदाय अमूतिया का विरोध कर रहा था। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री सौरभ पटेल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन उनकी सीट अकोटा की जगह बोटाड कर दी गई है। इसी तरह गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमनलाल वोरा की सीट भी बदली गई है। उन्हें इदार विधानसभा सीट की जगह डसाड़ा से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस इतनी दुर्बल हो गई है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस अब आउटसोर्सिंग कर रही है, अपना कुछ नहीं है तो आउटसोर्सिंग में पड़ी है। 3 लोगों के पूरी सरेंडर हो गई है और इनके पैर के पास बैठ गई है कांग्रेस। वो कहते हैं वही करते हैं, तो लोगों में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी है। 5 बार कांग्रेस को हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात की जनता ने हराई है और 6ठी बार कांग्रेस हारेगी। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होने की सुर्खियों के बीच राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले रूपाणी ने धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लिया और मंदिर में मत्था टेका। रूपाणी के नामांकन के वक्त गुजरात बीजेपी प्रभारी और मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साथ थे। ये चुनाव अपने आप में स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोग्रेस एक तरफ, जिसका भारतीय जनता पार्टी चेहरा है, और दूसरी तरफ एनआरकी, अराजकता, जिस प्रकार का गठबंधन जिन ताकतों का बट रहा है समाज को बांटने का, ये चुनाव उसके बीच में संघर्ष है। और पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छी मात्रा में इस चुनाव के अंदर सफलता प्राप्त। वित्त मंत्री जेटली की तरह मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी ने राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 134 पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। इस बार गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोनों यहीं से आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अपनी हर चाल सोच समझ कर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभालेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पूरी बैठक में इस बात का फैसला किया गया। हालांकि अभी चुनाव की औपचारिकता बाकी है, लेकिन ये तय है कि सोनिया गांधी की विरासत को अब उनके बेटे राहुल गांधी ही संभालेंगे। दरअसल काफ़ी दिनों से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कयासों का बाजार गर्म था। बीच बीच में कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की तरफ से विरोध के भी सुर सुनाई देने लगे थे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। 10 जनपद में सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई CWC की बैठक में राहुल की ताजपोशी का पूरा खाका तैयार हुआ है। इस खबर के बाद पार्टी के युवाओं में जोश है, लेकिन राहुल गांधी के सामने चुनौतियों का अंबार है। हालांकि पिछले दिनों से जिस तरह से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी जो उपस्थिति है, वो बेहद संजीदा एक नेता के तौर पर और पुख्ता तौर पर रखना चाहते हैं, अब आने वाले वक्त में उनका ये व्यक्तित्व उनके कितने काम आएगा, उनका ये परिवर्तन कितना काम आएगा, ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के सामने असली चुनौती मिशन 2019 है, लेकिन जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के लिए हर दिन एक चुनौती के समान होने वाला है।
कांग्रेस में सालों से चल रहे कयासों पर आज विराम लग गया है। राहुल की राजगद्दी का रास्ता साफ हो गया है। सोनिया गांधी की जगह अब राहुल की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो गई है। सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर कांग्रेस के आला नेताओं के बीच राहुल गांधी की अध्यक्षता पर मुहर लग गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया का भी ऐलान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी होगी। 4 दिसंबर को नामांकन होगा, जबकि 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस हो सकेंगे और 16 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। 19 दिसंबर को मतगणना के साथ ही अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के शेड्यूल को अपनी अप्रूवल दी। वहां संगठनात्मक चुनाव का पटाचे बहुत महीनों से जो आप जानना चाहते थे वो अब हो जाएगा। जो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के हो रहे हैं उसके डेट सभी फॉर्मली अनाउंस हुए हैं, उनको स्वीकृति सीडब्ल्यूसी ने दे दी। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस के अंदर राहुल की ताजपोशी को लेकर आवाज उठी, लेकिन कभी उनके नेतृत्व क्षमता तो कभी अंदरूनी राजनीति के चलते मामला टलता रहा। लेकिन पार्टी के अंदर कभी उनके नेतृत्व को लेकर असहज महसूस करने वाले नेता भी अब उनका नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। हाल के दिनों में राहुल ने भी अपनी युवा नेताओं की टीम के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी पूरा तवज्जो देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने का उनका इरादा है। हालांकि विपक्षियों को अब भी राहुल की क्षमता पर शक है। हर चुनाव में हार के बाद, पराजय के बाद राहुल गांधी जी की तरक्की हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई तो राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और अब जब वो गुजरात हार रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। परंतु ये उनका आंतरिक मामला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम भीतर में उसी प्रकार की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हैं जैसे बाहर। सूरज पुरुष से ही उगता है, पुरुष से ही उगेगा। कांग्रेस में गांधी परिवार का ही अध्यक्ष होता है, राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, तो कौन सी नई बात हो गई, यथास्थिति है। कांग्रेस में अब सोनिया युग का अंत हो रहा है और राहुल युग की शुरुआत। पार्टी के युवा भले ही जश्न मना रहे हैं, लेकिन पार्टी के पुराने चावल को डर सताने लगा है कि अब उनकी खिचड़ी पकेगी या नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मुहर के बाद राहुल के अध्यक्ष बनने में बस औपचारिकता बाकी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये ताज कांटे भरा है। मिशन 2019 आने वाला है और कांग्रेस अभी बुरे दौर से गुजर रही है। राहुल की अगुवाई में 2014 लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े गए, जिसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक श्री गणेश भी नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की कमान पूरी तरह संभालने के बाद क्या राहुल अपने कुनबे को मजबूत कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष से अध्यक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कद बढ़ने के साथ साथ उनकी चुनौतियों का भी कद बढ़ जाएगा। उनके सामने कांग्रेस को एक बार फिर से उसके सुनहरे दौर में लाने की चुनौती होगी। पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार, फिर लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में हार से पार्टी को उबरना, उनके लिए एक उबार कर सामने लाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मिशन 2019 तो नज़दीक है ही, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं है। ऐसे में राहुल के पास समय कम और काम बहुत ज़्यादा है। और एक ख़ास बात और भी होगी कि अब तक राहुल गांधी की विफलता को तमाम पार्टी में बांट लिया जाता था, अब चूंकि वही कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विफलता को बांटने वाला उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना महज औपचारिकता भर है, लेकिन उनको मिलने वाला ताज कांटों भरे ताज से कम साबित होने वाला नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और ऐसे में राहुल गांधी पर न सिर्फ कांग्रेस को इससे उबारने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि कांग्रेस को उसके पुराने दिनों में ले जाने का दारोमदार भी होगा। नया नेतृत्व तैयार करना। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने नेताओं और नए नेतृत्व को साथ लेकर चलना है। कांग्रेस में भी पुराने दौर के नेता ही ज्यादातर जगहों पर काबिज है। ऐसे में नए नेतृत्व को जिम्मेदारी देने की अहम भूमिका उनके कंधों पर होगी, साथ ही पुराने नेताओं के अनुभव को भी अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना होगा। पार्टी में नया विचार लाना। कांग्रेस की राजनीति अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, जबकि जरूरत नए वक्त के हिसाब से दृष्टिकोण अपनाने की है। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर बड़ी सक्रियता और कार्यक्रमों में भागीदारी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस नए नेतृत्व में नया दृष्टिकोण अपनाने को तैयार दिख रही है। विरासत की राजनीति छोड़नी होगी।
राहुल गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेता आज भी कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू की विरासत के हिस्से से तौर पर देखते हैं, लेकिन मौजूदा जरूरतों को देखते हुए उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को गरीबों के साथ सीधे संवाद के लिए जाना जाता है, ऐसे में राहुल गांधी को भी ऐसे ही तमाम रास्ते तलाशने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की दशकों पुरानी राजनीति को अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक कौशल से पूरी तरह प्रभावित किया है, इससे उबरने के लिए कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही। केंद्र द्वारा शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की देरी पर सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी गुजरात चुनाव की वजह से संसद का सामना करने से बच रही है। पीएम ने अपने अहंकार के लिए लोकतंत्र के मंदिर को ताला लगा दिया है, लेकिन अगर सरकार सोचती है कि वो लोकतंत्र के मंदिर को ताला लगाकर संवैधानिक जवाबदेही से बच जाएगी तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री GST के लिए आधी रात को संसद सत्र तो बुला सकते हैं, लेकिन आज संसद का सामना करने से भाग रहे हैं। सोनिया गांधी के बयान का जवाब दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। गुजरात में BJP के चुनाव प्रभारी बनकर गए जेटली ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त पहले भी संसद सत्र को टाला जाता रहा है, हर बड़ा नेता चुनाव प्रचार में लगा है और ऐसे में संसद सत्र का टलना नई बात नहीं है। कांग्रेस के वक्त भी ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए कांग्रेस हमें सीख न दे। किस प्रकार से नोटबंदी को लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ, किस प्रकार से बगैर सोचे समझी लागू की GST ने देश की अर्थव्यवस्था और छोटे छोटे उद्योगों और उद्यमियों की कमर तोड़ डाली, किस प्रकार के सरकार के मंत्री शंका भरी डील्स के अंदर संलिप्त पाए गए हैं, क्योंकि गुजरात के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो संसद के शीतकाल सत्र को बुलाने से बच रहे हैं। ये एक परंपरा रही है और कई बार हुआ है कि जब चुनाव चल रहे होते हैं तो संसद का सेशन भी शेड्यूल होता है। कांग्रेस ने स्वयं कई बार सेशन रीशेड्यूल किए, उसका समय इस प्रकार से दोबारा तय किया जाता है कि चुनाव के कैंपेन के साथ वो ओवरलैप ना करें। 2011 में उन्होंने किया, पहले भी करते रहे। और अब बात करते हैं राम मंदिर की। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले समझौते की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक कोशिश दिख रही थी श्री श्री रविशंकर के रूप में। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 5 दिसंबर से नियमित सुनवाई होनी तय है। अब शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने का कोई मतलब नहीं रह गया है, बल्कि इससे तो अच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और लखनऊ में एक अमन की मस्जिद बन जाए। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर एकाएक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर श्री श्री रविशंकर मध्यस्थता की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर शिया वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में विवादित मामले का फॉर्मूला 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। लखनऊ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बातचीत की। बातचीत के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि अयोध्या में अब बाबरी मस्जिद बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम आपसी सहमति से एक हल निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हम अयोध्या में मंदिर बनाने को पूरी तरह से तैयार हैं। कोर्ट में हमने अपने सबूत रख दिए कि शिया संपत्ति थी, इसमें जो भी इनका रजिस्ट्रेशन था वो सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड घोषित हो चुका है। हमने कोर्ट में अपनी बात रख दी है, 5 तारीख से पेशी शुरू हो रही है, तारीख शुरू हो रही है, सुनवाई शुरू हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर बताएगा कि अधिकार किसका है। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए फॉर्मूले में कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मस्जिद का दावा गलत है और अयोध्या में विवादित इमारत शिया मस्जिद थी। हम देश के अमन चैन को ज्यादा मानते हैं और अयोध्या में विवादों में रही पूरी जमीन हिंदुओं को सौंपना चाहते हैं। इसके बदले अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण भी नहीं कराना चाहते। हमने यूपी सरकार को लखनऊ के हुसैनाबाद में 1 एकड़ जमीन के लिए आवेदन दिया है और वहां की मस्जिद को बाबर या मीर बाकी जैसे विवादित लोगों का नाम नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने इसके साथ ही एक सुझाव भी दिया कि इस मस्जिद का नाम किसी शासक पर रखे जाने की बजाय इसे मस्जिद-ए-अमन का नाम दिया जाएगा। इस प्रकरण पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ झगड़ा बढ़ा ही रहा है। समझौता पत्र की कॉपी कोर्ट में जमा करवाई गई है और दावा किया गया है कि इस पर सभी हिंदू पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं।
मस्जिद का निर्माण हम अयोध्या फैजाबाद में नहीं करेंगे और बाबरी मस्जिद के नाम से कहीं नहीं करेंगे। तो मैंने मान लिया, ठीक अच्छी बात है। तो अब विश्व हिंदू परिषद और संत महात्मा मिलकर के मंदिर निर्माण बंद करेंगे, उनको मनाएंगे वही मान जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसौदे पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मामले पर नियमित सुनवाई 5 दिसंबर से शुरू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो श्री राम के साथ साथ अब श्री कृष्ण को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। राम मंदिर को लेकर जो समझौते की सियासत है वो तो आप देख ही रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो राम के साथ साथ कृष्ण को भी विवाद में घसीटने पर पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। हालांकि वो राजनीति के हाशिए पर भेज दिए गए हैं अपने बेटे के द्वारा, लेकिन राजनीतिक जमीन वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए अब उन्होंने भगवान श्री राम के बजाय श्री कृष्ण का सहारा लिया है। उनके हिसाब से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को लेकर एक ऐसा बयान उनका सामने आया है जिसको देखा जाए तो देश और प्रदेश में राजनीति गरमाने लगेगी। बीजेपी ने जहां मुलायम के बयान को एक सोची समझी नीति का हिस्सा बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने मुलायम को इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी है। मुलायम सिंह यादव के हिसाब से श्री कृष्ण तो पूरे देश में पूजे जाते हैं, लेकिन श्री राम केवल उत्तर भारतीयों के देवता हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि देश के बाहर भी तमाम ऐसे देश हैं जहां रामायण और रामलीला की जाती है, रामायण पढ़ी जाती है और श्री राम की पूजा की जाती है। और हर वर्ष हमारे देश में बाहर के देशों के ये जो संस्थाएं हैं वो आती हैं और रामलीला का प्रदर्शन करती हैं। राम की पहुंच शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय रही है, लेकिन सियासत चूँकि मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में करनी है, देश में करनी है, इसलिए उन्हें दिख कम रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक श्री राम को लेकर हो रही सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। अब श्री कृष्ण को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भगवान राम और श्री कृष्ण पर बड़ा बयान दिया है। मुलायम सिंह यादव ने श्री कृष्ण की प्रसिद्धि को भगवान राम की प्रसिद्धि से ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि कृष्ण का नाम दुनिया भर में है, जबकि राम के नाम को उत्तर भारत में ज्यादा जाना जाता है। गाजियाबाद में रविवार को यादव युवक युवती परिचय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव पधारे थे, जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। ठीक है, हमारे आदर्श हैं, राम भी हैं, लेकिन सही है राम मर्यादा कुछ तो पहले आज वो भी है, लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बाहर कृष्ण का नाम है और पूरे हिंदुस्तान है उत्तर भारत में राम को बहुत आदर्श माना जाता है। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के बयान पर निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने अभी तक समाज, देश और धर्म को बांटा है, अब भगवान को भी बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि देवी देवता कण कण में मौजूद हैं, तो उत्तर दक्षिण का सवाल कहां खड़ा होता है। पार्टी ने कहा कि भगवान आस्था के प्रतीक हैं, कोई राम को मानता है तो कोई रहीम को। पिछले महीने बीजेपी की योगी सरकार द्वारा अयोध्या में श्री राम की विशाल मूर्ति लगाने का सपा ने विरोध किया था। पार्टी ने इसे राम के नाम पर योगी सरकार की ओर से सियासत करार दिया था, लेकिन इसके बाद सपा के गढ़ औरैया में श्री कृष्ण की मूर्ति लग गई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी कि ये प्रोजेक्ट 2 साल पुराना था। वहीं यादव परिवार की गृहनगर सैफई में कांसे की बनी 50 फीट ऊंची श्री कृष्ण की प्रतिमा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यादव बाहुल्य इलाके में इस प्रतिमा का लगाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। माना जा रहा है कि बीजेपी के राम राग के जवाब में मुलायम सिंह अब कृष्णा के नाम की आंख बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुलायम ये भली भांति जानते हैं कि राम को उत्तर और दक्षिण भारत के अलावा विदेशों में जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, बाली, कोरिया में भी पूजा जाता है। फिर मुलायम के गुरु राम मनोहर लोहिया तो बड़े धूमधाम से रामायण मेले का आयोजन करते थे। ऐसे में मुलायम का ये बयान चौंकाने वाला तो जरूर है, लेकिन काफी सोचा समझा बयान है जिसके दूरगामी मायने हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महारानी पद्मिनी
का जो चित्रण है वो केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि हजार सैकड़ों साल पहले से होता रहा है और साहित्य में भी बेहद ख़ास दर्जा रहा है महारानी पद्मिनी का, पद्मावत से लेकर भारतीय खोज तक और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की कविता तक, नरेंद्र मिश्र की कविता तक, श्याम नारायण पांडे की कविता तक। महारानी पद्मिनी का जो किरदार है वो एक ऐसा उदात्त किरदार है जो हर बार साहित्य का एक प्रमुख अंग बनता रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक तथ्यों को तब ज़रूर तोड़ा मरोड़ा छेड़ा जाता है जब कोई कविता गढ़ी जाती है, जब कोई फिल्म बनाई जाती है, लेकिन संजय लीला भंसाली की छोटी छोटी गलतियों ने इस पूरे मसले को इतना बड़ा कर दिया। दूरदर्शन पर दिखाए गए सीरियल भारत एक खोज की यदि हम बात करें तो इसमें भी एक एपिसोड चित्तौड़ पर हमले की के ऊपर दिखाया गया था जिसमें कुछ अलग ही वजह दिखाई गई थी और प्रधानमंत्री तब के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित इस सीरियल को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। इसके स्पेशल एपिसोड में दिखाया गया था कि राजा रतन सिंह अपने यहाँ से एक तांत्रिक रतन सेन को अपमानित करके भगा देते हैं। वो तांत्रिक अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, उन्हें उकसाता है और जिससे चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है। और लगभग यही कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो किताब है, जो काव्य संग्रह है पद्मावत, उसमें भी यही कहानी गढ़ी गई थी, यही कहानी लिखी गई है। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके प्रमाण चाहे हो न हो लेकिन रोचक ज़रूर हैं। अब इस रोचक तथ्यों को पेश करने का अंदाज जिस तरह से भी रखा जाएगा वो विवाद का कारण हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि महारानी पद्मिनी पर बनी हुई तमाम तीन फिल्में जो हमने आपको दिखाई, इन फिल्मों में भी खूब नृत्य था, तमाम साहिब जो ऐतिहासिक जो जानकारियां हैं उसके साथ भी खूब खेल हुआ था। लेकिन तब शायद लोग ज़्यादा सहनशील थे और तब सियासत कुछ ऐसी नहीं थी, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी और ये फिल्में आईं खूब चली। चलिए आप देखते हैं नेशनल टॉप फाइव खबरें, उसके बाद लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर शशि थरूर विवादों में फंस क्यों जाते हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकी का नाम आदिल बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों को त्राल की गजूरी बस्ती में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू किया। साध्वियों से रेप केस में 20 साल की जेल में सजा काट रहे राम रहीम को मिलने उनका परिवार सोमवार को रोहतक पहुंचा। इस बार राम रहीम का बेटा, बेटी और दामाद के साथ पहली बार डेरे के चेयरपर्सन विपश्यना भी उनसे मिलने पहुंची। जेल में करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद राम रहीम के परिजन सिरसा के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन की महिला कर्मी से नशे में धुत 2 व्यक्तियों द्वारा बदसलूकी करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद 2 व्यक्तियों के खिलाफ उपद्रव करने का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में महिला को दोनों आरोपियों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। वो उन्हें हवाई अड्डे पर पुलिस चौकी की ओर ले जाती दिख रही है। वीडियो में दोनों व्यक्ति महिला से माफी मांगते और पैर छूते दिख रहे हैं। मोदी सरकार अब जीएसटी में कटौती करके महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। जीएसटी समीक्षा की अगले दौर में मोदी सरकार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर जीएसटी दर घटाएगी। अगले दौर में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे कंज्यूमर गुड्स पर जीएसटी रेट में कटौती की जा सकती है। अभी इन सभी चीजों पर 28% जीएसटी लगता है। जहां मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर को पूरे विश्व से प्रशंसा मिल रही है, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट ने एक अलग विवाद खड़ा कर दिया है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शशि थरूर को अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने को कहा है। दरअसल शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से जोड़ते हुए मानुषी को लेकर टिप्पणी की थी कि शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले छिल्लर का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारी मुद्रा को डिमोनेटाइज करना कितनी बड़ी गलती, बीजेपी को ये एहसास हुआ होगा कि भारतीय नकदी पूरी दुनिया पर हावी है, देखो हमारा चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गया। हालांकि बाद में शशि थरूर ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें निशाने पर लिया। नेता और अभिनेताओं की फौज भी थरूर पर टूट पड़ी।
उधर शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए लंदन के वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान विजय माल्या की तरफ से भारत में जान का खतरा होने की दलील दी गई। वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में हुई प्री ट्रायल सुनवाई के दौरान विजय माल्या के वकील ने कहा कि भारत में उनके मुवक्किल की जान को खतरा है। माल्या के इस दलील के बाद अभियोजन पक्ष अब माल्या की सुरक्षा को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहा है। विजय माल्या इस प्रत्यर्पण वारंट मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए 24 नवंबर से नया रास्ता खोलने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनजीटी ने पैदल यात्रियों और बैटरी रिक्शा के लिए नया रास्ता खोलने को कहा था। आज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मौसम के चलते फरवरी के अंत तक ही निर्माण शुरू हो पाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने एनजीटी के बाकी निर्देशों पर रोक नहीं लगाई है। और अब एक अच्छी खबर हम आपको दे दें। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 6 दिन तक चले 27वें साहित्य फेस्टिवल में दुनिया भर से जुटे नामी गिरामी साहित्यकारों का जमावड़ा लगा। फेस्टिवल में एपीएन के सलाहकार और इंडिया लीगल के रिजिडेंट चीफ इंद्रजीत पदभार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पुलित्जर सम्मान के लिए नामित और फ्रांस के शीर्ष प्रिक्स लिटरेचर सम्मान के विजेता इंद्रजीत पदभार की लिखी एक किताब को भी इस फेस्टिवल में विशेष दर्जा दिया गया। और साथ ही एपीएन के साथ साथ पूरे देश के लिए सम्मान की ये बात रही और इंडिया लीगल और एपीएन पर खास चर्चा इस फेस्टिवल में की गई। प्राग राइटर्स फेस्टिवल की सफलता को देखते हुए एपीएन ने भी भारत में प्राग साहित्य महोत्सव के तर्ज पर साहित्य समारोह आयोजित करने का फैसला किया है और जल्द ही हम ऐसा आयोजन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। चेक गणराज्य की राजधानी में 27वें प्राग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर दुनिया भर के नामी गिरामी साहित्यकार और पत्रकार पहुंचे थे। अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले 8 कर्णधारों ने इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पहुँचे साहित्यकारों ने अपने देश की दशा और दिशा पर चर्चा की। इस महोत्सव में भारत के पत्रकारिता जगत के पुरोधा इंद्रजीत पदवार भी पहुँचे थे। देश विदेश में पदवार कई ऐसे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को काफी सोचना पड़ता है। इंद्रजीत पदवार एपीएन के सलाहकार और सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ हैं। प्राग फेस्टिवल में पहुंचना गर्व की बात है और पदवार भी इस फेस्टिवल में पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में इंद्रजीत पदवार की तरफ से रचित रचनाओं को खूब सराहा गया जो कि 8 भाषाओं में उपलब्ध है। साहित्य महोत्सव का हिस्सा होना और खासकर कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते उनको वहाँ पर स्पेशली हिंदुस्तान का नुमाइंदा बन के इन जैसे लोगों में जो वहाँ पर आए थे, जो महाकवि और महालेखक आए थे, वहाँ जाना एक बहुत गर्व की बात थी। हमें भी गर्व है कि पत्रकार जगत के ऐसे पुरोधा हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय मंच तक है, जिन्हें वो साहित्यकार पत्रकार जानते हैं जिनका नाम दुनिया में छाया हुआ है। प्राग साहित्य महोत्सव में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य सिर्फ इंद्रजीत पदवार को मिला। इस महोत्सव में वामपंथी विचारक और एक्टिविस्ट किरिल मेदवेदेव यूरोपीय नौकरशाही पर लिखी अपनी किताब द कैपिटल के लिए जर्मन बुक प्राइज जीत चुके ऑस्ट्रेलियाई लेखक रॉबर्ट मेनसे भी मौजूद रहे। महोत्सव में युवा अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेस्ले लोरी, जिन्होंने रंगभेद के मुद्दे पर काफी काम किया है, उनकी मौजूदगी ने फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिया। लोरी को पुलिसिया भेदभाव पर आवाज उठाने के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस महोत्सव की सफलता को देखते हुए अब एपीएन ने भी भारत में इस प्राग साहित्य महोत्सव की तरह समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। इसके लिए एपीएन ने एक प्रस्ताव बनाया है और इस पर काम भी जारी है। तरह तरह के और हर किस्म की बात हो रही थी, वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं थी और इसको जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ लिटरेचर, तो इसको सोच के हमारी संस्था भी एपीएन भी अब ये सोच रही है कि चंद ही दिनों में हम लोग अब एक प्रस्ताव हम बना चुके हैं और इसमें ये नहीं कि समझिए कि 100 लोग आते हैं और 3 दिन में 100 लोग 10-10 मिनट 5-5 मिनट के लिए बोल के चले जाते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशंस होती हैं, जो वार्तालाप होते हैं, वो बहुत इन डेप्थ वार्तालाप होते हैं। प्राग राइटर्स फेस्टिवल में इस साल इंद्रजीत पदवार ने शामिल होकर देश का नाम ऊंचा किया है। पत्रकारिता जगत में ऐसे फेस्टिवल में शामिल होने वाले बहुत कम ही पत्रकार हैं। इंद्रजीत पदवार पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर सम्मान के लिए भी नामित हो चुके हैं। एक सफल पत्रकार के साथ साथ इंद्रजीत पदवार लेखक भी हैं, जिसकी धमक पराग महोत्सव में भी सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।
और अब वक्त आ गया है कि मिर्चा गालिब के पास चलें। आजकल वो चुनाव के बारे में काफी सोच रहे हैं, पता करते हैं उनकी सोच क्या है। वोट दो मिर्चा को वोट दो। सोच रहे हैं हम भी चुनाव लड़ ही ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जमानत ही तो जब्त होगी ना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम जीत गए तो फिर तो मस्ती ही मस्ती है। हमारे पीछे भी लंबी लंबी गाड़ियां, हमारी भी वीआईपी गिरी शुरू, ढेर सारे बॉडीगार्ड्स और ढेर सारे स्कैंडलों में नाम। वाह। आप भी सोच रहे होंगे ना कि मिर्चा का सटक गया है, मिर्चा मुंगेरी लाल बन गया है। जनाब बता दें आपको कि हर इंसान में ना मुंगेरी लाल होता ही है और वो दिन रात दो ही चीजें पकाता है। पहला सुनहरे ख्वाब और दूसरा लोगों का दिमाग। वैसे जनाब ऑन अ सीरियस नोट, चुनावों की बात कर रहे थे तो हमारे मन में ख्याल आया अगर 5 साल की बजाय 6 महीने में चुनाव होंगे तो उससे कितना फायदा होगा है? सोचिए कितना मजा आएगा ना, मतलब कह ही नहीं सकते कुछ। अरे आप फिर सोच रहे हैं कि मिर्चा के दिमाग को तो मिर्च लग गई है, लेकिन हमारी बात में लॉजिक है। सुनिए देखिए, 5 साल की जगह अगर 6 महीने में चुनाव होंगे तो हर चुनावों के वक्त 24 घंटे बिजली मिलने लगती है, सड़कें अच्छी अच्छी बनने लगती हैं और आसपास में साफ सफाई होने लगती है। अब हर साल 2 बार अगर चुनाव होंगे हर 6 महीने में तो ये वाली चीजें बार बार देखने को मिलेगी, है ना, क्या मजा आएगा। और हम तो ना ये भी नहीं जानते कि हमारा निगम पार्षद कौन है, हमारा एमएलए कौन है। अब 5 साल में एक बार आएगा तो हम क्या खाक पहचानेंगे उसे। अब साल में 2 बार चुनाव होंगे तो वो भी जल्दी जल्दी हमसे मिलने आएगा, तब जाकर हम उनको पहचान पाएंगे। हाँ। और मियां आजकल नेता ना चुनावों में दम लगा के पैसा खर्च करते हैं, अब हर 6 महीने में चुनाव होंगे तो पैसा खर्च करके उनका दीवाला निकल जाएगा, अपने आप कम खर्चा करने लगेंगे, सादगी वाला जीवन जिएंगे और हाँ पतले भी हो जाएंगे, दुबले भी हो जाएंगे। अब हर 6 महीने में गलियों में धक्के खाएंगे तो अपने आप दुबले पतले हो जाएंगे ना। और सबसे बड़ा फायदा हम बताते हैं आपको, अभी क्या है ना, नेता 5 साल में एक बार आते हैं, अपना वादा करते हैं, 5 साल में भूल जाते हैं। अब मियां सच बता रहे हैं, हर 6 महीने में अगर चुनाव होंगे तो हम उनको उनका वादा याद करा सकेंगे और फिर हम पूछेंगे उनसे, क्यों भैया क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे भैया हम तो पते की बात ही कहते हैं यार। सबसे बड़ा फायदा 6 महीने में चुनाव कराने का, साल में 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। और हमारा देश जहां 2000 का नोट चल रहा हो, 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक तो छुट्टी और दूसरा छुट्टा। सही कहा कि नहीं कहा है? तो मियां हम तो चले अपनी बेगम के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने। गुजरात का चुनाव है ना, तो सरकार ने बाहर के खाने पर GST के रेट कम करती है। चुनाव का ये भी फायदा होता है, लिख के ले लीजिए, नोट कर लीजिए। राम राम। और अब देखते हैं खबर अच्छी है। जेल, ये शब्द जहन में आते ही एक अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आती है और वो है ऊंची दीवारें जहां कैद में रहते हैं हत्यारे, चोरी, डकैती और दुष्कर्म, लूट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त अपराधी, जिनसे जनहित समाजहित के कार्यों की उम्मीद तो दूर, आस करना भी बेकार होता है। लेकिन यूपी के कौशाम्बी जिला कारागार काफी अलग है। यहाँ के जिला कारागार में
अक्षर ज्ञान बांटा जाता है। जिला कारागार में बंद बाल बंदियों को उन्हीं के बाल बैरक में अध्यापक कैदी की ओर से शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। इतना ही नहीं, ये बंदी प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल करने के लिए निरंतर अध्ययनरत हैं। शिक्षा की यह अनोखी मिसाल कौशाम्बी के जिला कारागार में आरंभ हुई है, जो अब परवान पर है। जिला कारागार में बंद बाल बंदियों को उन्हीं के बाल बैरक में अध्यापक कैदी की ओर से पढ़ाया लिखाया जाता है। वैसे तो कारागार को सुधार गृह कहा जाता है और नाम की इस सार्थकता को चरितार्थ किया है जेल के अधीक्षक बीएस मुकुंद ने। जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद के मुताबिक बाल बंदियों को जिला कारागार में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्टेशनरी की व्यवस्था जिला साक्षरता समिति और दानदाताओं की ओर से की जाती है। जेल अधीक्षक का मानना है कि जब ये बाल बंदी शिक्षा ग्रहण कर कारागार से आजाद होकर अपने घर को जाएंगे तो इनकी मानसिक और सामाजिक उत्थान में वृद्धि होगी, जिससे ये बाल बंदी एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। बाल बैरक में सारे बंदियों को जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष है उनको पढ़ाया जा रहा है। एक अध्यापक बंदी है जो कि उनको पढ़ाता है। अध्यापक बंदी को सारी सुविधाएं देकर के बोर्ड पेन कलम इत्यादि की व्यवस्था कॉपी की व्यवस्था करा दी गई है और उनको पढ़ाया जा रहा है। समाज में बढ़ती अमानवीयता को देखते हुए जहां शिक्षा को बढ़ावा देने की इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ ही जिस तरह से कारागार में शिक्षा दान का कार्य चल रहा है वो अपने आप में किसी नेक पहल से कम नहीं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय में देश के तमाम कारागारों में इस तरह की नेक पहल की जाएगी और कारागार से निकलने वाले हर अपराधी को एक नई जिंदगी मुकम्मल कराई जाएगी, जिससे समाज का काला चेहरा आसानी से बदला जा सकेगा। कौशाम्बी से राकेश सोनकर की रिपोर्ट, APN। उधर देश की बात के आखिरी पड़ाव पर हम देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। नवंबर 1955 में आज ही के दिन पॉली उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने बॉम्बे क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और फिर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेला। पॉली उमरीगर को साल 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और 20 नवंबर 1985 में बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उतारा था और 20 नवंबर 1991 में भारत के उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 20 नवंबर 1995 में ब्रिटेन के तत्कालीन राजकुमारी डायना ने पहली बार अपने विवाहेतर संबंधों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। इस खबर के सामने आने के बाद ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल मच गई थी और 20 नवंबर 2011 में लीबिया पर 40 साल तक राज करने वाले तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी गृह युद्ध में मारे गए थे। आज देश की बातें बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।